जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दिवाकरम् ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ मित्राय नमः ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः राजकुमारी गंगम पुनात सप्तम शुभ कार्य वारी पढ़ना पड़ो जी कका जी नाम प्रणाम सारे गुड सीख लिए हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है श्रीमंत साहब। आप श्रीमंत सरकार बाजीराव पेशवा के पुत्र होने के साथ साथ बिठुर के युवराज भी तो हैं। युवराज तो बस हम नाम कहें तात्या गुरु। ये फिरंगी तो बाबा को पेशवा मानने से इनकार करते हैं। देखिएगा एक दिन आप इन फिरंगियों से पुणे दोबारा छीन लेंगे। अवश्य, यदि आपके जैसे गुरु हमारे साथ रहे तो पुणे क्या, सारा हिंदुस्तान हमारा होगा। हम तो छाती में बारूद भरे बैठे हैं श्रीमंत साहेब, बस आपके इशारे का इंतजार है। अभी 4 साल नहीं हुए काशी से आए, तीर भी चलाए, तलवार भी चलाए, बंदूक भी चलाए और भाला भी चलाए, आखिर बनना क्या है तुझे मनु? सबसे बड़ा बनना है हमें। बड़ा बनने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। अरे तात्या गुरु, जरा नापिए तो इसे। हमने अपने आप को नाप लिया है। हम आपकी तलवार से
तीन में इतना बड़े हैं। संभालिए ताता गुरु। छकाई दे रहा है। तो बात है, उसको लड़का ही समझती, मानती ही नहीं कि ये एक लड़की है। धन्य हो मनु, धन्य हो। तुम तो तलवारबाजी में भी। बात आता गुरु, उस दिन तो आप कह रहे थे कि मनु घुड़सवारी सबसे अच्छी करती है, आज आप उसकी तलवारबाजी की भी प्रशंसा करने लगे। नहीं श्रीमंत साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप दोनों को युद्ध कला का जो कौशल प्राप्त है वो इतनी कम उम्र में शायद ही किसी को प्राप्त। आपका ये सेवक कभी कभी निर्णय ही नहीं कर पाता है कि आप श्रेष्ठ हैं या हमारी मनु। वैसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, है ना ताते गुरु? हमसे श्रेष्ठ। तात्या गुरु ने जानबूझकर तेरा मान रखने के लिए तलवार छोड़ दी, वरना ये जो गांव वाले हैं ना तेरी हंसी उड़ाते कि तू एक लड़की है ना। यही तो हम कह रहे हैं। अरे पापा, आप यहाँ अखाड़े में, यहाँ तो योद्धा आते हैं। हम श्रीमंत साहब को बुलाने आए थे। वट सावित्री की पूजा के लिए श्रीमंत सरकार की सवारी तैयार है, बस आप ही की प्रतीक्षा हो रही है। मोरूपंत काका, वट सावित्री की पूजा में हमारा क्या काम? श्रीमंत साहब, आप भूल रहे हैं आज मंगलवार है, और मंगलवार के दिन आपके पिता श्रीमंत सरकार बाजीराव पेशवा आपके हाथों दान करवाते।
श्रीमंत सरकार, इस समय आपकी कौन सी नासिका चल रही है? दाया सुर चल रहा है बहनी साहब। तो धरती पे सबसे पहले दाया पैर ही रखिए। मैना भाई, शुभ मुहूर्त है, वट सावित्री की पूजा आरंभ कीजिए और याद रहे सात सुहागने साथ रहेंगी। इंदुप्राची यहाँ आओ बेटा। और राव साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अपने बड़े भाई नाना के साथ दान बांटने में उनका सहयोग कीजिए। जी आजी साहब। अरे मन्नू, तू कहाँ जा रही है? चल पीछे खड़ी हो जा, आ जा यहाँ। दाते गुरु, सोचिए अगर ये सारी औरतें मेरी तरह हो जाए। मुश्किल तो यही है मनु, कि वो सब ये चाहती हैं कि तुम उनकी तरह हो जाओ। यही तो। क्यों? तू लगन नहीं करेगी? नहीं, हम हमारे बाबा के साथ ही रहेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा की बेटियां भी जीवन भर अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकती, और तू एक साधारण ब्राह्मण की बेटी होकर वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ेगी? औरत का काम घर गृहस्थी है, तेरी तरह घुड़सवारी और तलवारबाजी नहीं करती। लेकिन मैं इन सब की तरह नहीं हूँ। वो तो समय ही बताएगा। देख रहे हो, जब से बाजीराव महाराज विधुरमा पधारे हैं, गंगा मैया कैसी ठलाई ठलाई के बहे लगी। चाचा, दान धर्म भी दिल खोल के करत है। काहे का दान धर्म? आपन जय जयकार करावे की खाती सब ढकोसला है यार, शर्म नहीं आवत है? अरे पूना से जौन फिरंगी और धक्का मार के निकाल दिए, आज उन्हीं के टुकड़ों पे उछला थे। ससुरा चढ़वा जब भी बोली है घाव पे नमक छिड़क पे वाला बोली है। We'll be right back.
मुन्नू बेटे आओ खाना खा लो बेटे। मनु खाना खा लो। मनु मनु खाना खा लो। अरे वो खा लेगा, तू खा ले। मनु जानती है तू, जब तक तू नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। आओ बेटे खाना खा लो। अरे देवा इतना चुप तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। आ बैठ खाना खा। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं बाबा। सुबह से वही दुख लिए बैठी है कि उन फिरंगियों के आते ही लोगों ने श्रीमंत सरकार की जय जयकार क्यों बंद कर दी? क्यों बाबा, सब इतना क्यों डरते हैं? क्या वो गोरे नहीं राक्षस है? हाँ बेटे, राक्षसों ने भी ऐसे अत्याचार नहीं किए होंगे जो अत्याचार ये फिरंगी हम पर कर रहे हैं। हमारे ही देश में हमें गुलाम बना के रख दिया। जानती है तू, अगर ये रास्ते पर चल रहे हों और हमने रास्ता छोड़कर इनका अभिवादन नहीं किया तो कोड़े मार मार कर खाल खींच लेते। यू ब्लडी, माफ कर दो। इन फिरंगियों के आते ही हमारी औरतें पनघट छोड़कर भाग जाने पर विवश हो जाती हैं। और सब चुपचाप देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे कहें बेटे, इन गोरों का भय इतना है कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सिंहासन छोड़कर गिड़गिड़ाते दिखाई देते। बाबा हमारे आजुबा भी? वो अकेले क्या करेंगे? विडंबना तो यही है कि हम संगठित नहीं है, परंतु एक न एक दिन समय तो बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा। ये ब्लडी पेशवा लिव्स ऑन आवर पेंशन और टांग काटते हैं। ये लोग ऐसे ही रहे, अपने आप को अभी भी किंग समझते हैं। साहब, कानपुर के कलेक्टर विल्सन साहब आ गए। लॉर्ड विल्सन वेज ऑन टाइम। राइट, यू मे लीव। How are you, Manson? Great, sir. My nephew, Jeff Gordon. Hello, Jeff. Hello, sir. Have you informed Bajie Rao of our meeting? Oh, yes, of course. Please, have a seat. Get to this bloody Bajirao's dabar. Sakharam, 23 साल हो गए हमें पुणे छोड़े हुए, यहां भी ये गोरे हमें जीने नहीं दे रहे।
मना तो देखो, न मान न सम्मान। नाम की पेशवा है, दरबार है, लेकिन निर्णय नहीं ले सकते। सेना रखने की जगह है, लेकिन सेना नहीं रख सकते। हर दिन नया जाल, नया फंदा। इस पत्र के अतिरिक्त एक और सूचना भी प्राप्त हुई है श्रीमंत सरकार। कानपुर के कलेक्टर विल्सन गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण संदेश लेकर स्वयं आ रहे हैं। बाबा, हम इन अंग्रेजों की हर बात क्यों मानते हैं? इन्होंने तो अपना वचन कभी पूरा नहीं किया। आज तक पेंशन के वो पिछले 66,000 रुपए नहीं दिए इनने। आ जाने दीजिए उन अंग्रेजों को। आप समझ नहीं रहे चिरंजीव बेटे, आज सारी शक्ति उन गोरों के हाथों में है। सवाल हमारा अकेले का नहीं है, पुणे से हमारे साथ 10,000 परिवार आए हैं। हमारे एक विरोध से उन पर घोर अत्याचार होने लगेंगे। श्रीमंत सरकार, हवा जिस ओर बहे पीठ उसी तरफ रखनी चाहिए। आजी साहब, ये तो कायर करते हैं। ये 10,000 लोग हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है, है ना नाना भाऊ? चुप कर, इतनी सी है और राज परिवार के बड़ों को टोकने का दुस्साहस भी आ गया। हमें शिक्षा देने चली, हैसियत देखी है अपनी? राक्षसों ने भी ऐसे अत्याचार नहीं किए होंगे जो अत्याचार ये फिरंगी हम पर कर रहे हैं। आज सारी शक्ति उन गोरों के हाथों में है। मैजिस्ट्रेट कमिश्नर कानपुर श्रीमान विल्सन और बिठूर कलेक्टर श्रीमान मैनसन पधार रहे हैं। नाइस हॉर्स। हे यू, कम हियर। मैंने बोला ना, इधर आओ, इसमें हम बैठेंगे। नहीं साहब, ये नहीं हो सकत। ये घोड़ा पे तो सिर्फ युवराज साहब ही बैठते हैं। You bloody Indian, give me that, You take it, man. It is a very serious matter. According to the law of the Anam Commission, hum zamindaron se direct lagan vasool kar sakte hain. Aur iske badle mein hum unhe protection de rahe hain. Lekin hame pata chala
कि आप उन जमींदारों को हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रीमंत सरकार, श्रीमंत सरकार अनर्थ हो गया। श्रीमंत सरकार, गोरे बहादुर की मनुबाई से लड़ाई हो गई। What? मनु, मनु, मनु क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? पापा, श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान क्षमा कर दीजिए मेरी पुत्री। Get away from me. मनु माफी मांगो इनसे। कलेक्टर साहब, इस नटखट बच्ची की तरफ से हम क्षमा मांगते। आजोबा